नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने कक्षा छठवीं की सभी आपकी एनसीईआरटी जो हमारे लिए जरूरी हैं उनको हम लोग देख चुके हैं। उसमें थी आपकी शामिल सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक, हमारा अतीत एक, पृथ्वी हमारा आवास और विज्ञान, चार किताबें आपकी महत्वपूर्ण थी। तो हम लोग चारों किताबों को निपटा चुके हैं। आज से हमें शुरू करना है कक्षा सातवीं की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कक्षा सातवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दो के बारे में। भाग एक को हम लोग कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं और सातवीं में आपका भाग दो है। तो इसमें हम लोगों ने को दे क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये आपकी विषय सूची। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई एक। इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसमें अध्याय एक है, इसमें आपको समानता के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो आपकी इकाई दो है इसमें राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अध्याय दो है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अध्याय तीन में हम लोग बात करेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। फिर इकाई तीन है, इसमें बात करेंगे लिंग बोध जेंडर के बारे में। तो इसमें अध्याय आपका फोर है, चार, लड़के और लड़कियों के लिए के रूप में बड़ा होना। फिर पांचवा अध्याय होगा आपका औरतों ने बदली दुनिया। फिर इकाई चार आए, इकाई चार, इसमें हम लोग बात करेंगे संचार माध्यम। इसमें आपका अध्याय सिक्स शामिल है, छठवा, इसमें पढ़ेंगे संचार माध्यम माध्यमों को समझना। फिर इकाई आपकी पांच बाजार, इसमें हम लोग बात करेंगे अध्याय सात के बारे में, हमारे आसपास के बाजार के बारे में। अध्याय आठ, इसमें बात करेंगे बाजार में ये कमीज। फिर है आपका भारत लोकतंत्र में समानता, इसमें आपका अध्याय नौ है, समानता के लिए संघर्ष, ये हमें पढ़ना है। याद रखिए हम लोग अध्याय वाई अध्याय खत्म करेंगे, पहले पहला अध्याय देखेंगे उसके बाद सेकंड, इसी तरह से हम लोग खत्म करेंगे। तो सबसे पहले इसी में हम लोग देख लेते हैं भारत का संविधान। इसमें बात करते हैं उद्देश्य का। जब भी हम लोग किसी भी बुक्स का पहला जो हम लोग विषय सूची देखेंगे तो उसमें आपकी ये दी रहती है उद्देश्य का। तो हम इसमें दिया है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ भारत का संविधान। इसमें भाग चार काम है आपके नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य है नागरिकों के वो है अनुच्छेद 51(1) में क्या क्या है। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की
जिसके अंतर्गत वन झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उनका उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का प्रयास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये थे आपके मूल कर्तव्य। अगर नागरिक अपने मूल कर्तव्य और अपने मूल अधिकारों से परिचित हो जाए तो आज ये आदि देश की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी को अपने अधिकार पता है तो किसी को अपने कर्तव्य पता नहीं है। ठीक है, जैसा भी है। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। पहले लेक्चर में भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसमें अध्याय 1 देखेंगे हम लोग। ठीक है।